हर टाइम का ना एक टाइम होता है, तो कितना भी लोग कुछ भी इंजॉय करें, बट जब नवरात्र होगा तो घर में कलशा ही धराएगा। नवरात्र एक फेस्टिवल नहीं है, नवरात्र एक इमोशन है हमारे, कि मेरा ये मानना है कि संगीत कभी असली नहीं होता है, तो मैं वो सब कुछ गाऊंगा और गाते रहूंगा जिससे कि मुझे सुकून मिले। और मेरे लिए उसमें कोई ऐसा शब्द शामिल नहीं है सलीर और असली, आई एम इंटरटेनर। और नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में, मैं हूँ मुस्कान। और अभी चल रहा है नवरात्र का महीना, जी हाँ, और जिसमें एक भोजपुरी गाना आया है, माई आयल बारी, और वो गाने वाले कोई और नहीं, राकेश मिश्रा हैं। जी हाँ, भोजपुरी के काफ़ी जाने माने सिंगर हैं। स्वागत है आपका, और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आपके गाने को भी। हमारा पहला सवाल है कि बिहार में भोजपुरी में लोग अश्लील गाना ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और आपने यहाँ पर माता का गीत लेके आए हैं, क्या उम्मीद आपको लगता है? मुझे ये लगता है कि हर टाइम का ना एक टाइम होता है, तो कितना भी लोग कुछ भी इंजॉय करें, बट जब नवरात्र होगा तो घर में कलशा ही धराएगा, ठीक है, घर में वो नहीं होगा, दूसरा कुछ नहीं धराएगा। तो जब जैसा टाइम होता है वैसा न चाहते हुए भी माहौल करना पड़ता है, तो इसलिए मैं हमेशा से नवरात्र को, छठ पूजा को, खास करके मैं अपने बिहार में या यूपी में हम लोग देखते हैं कि मैं पहले भी जैसे बताया कि ये हमारे लिए ना हार्ट फीलिंग है, ये एक पूजा नहीं है, नवरात्र एक फेस्टिवल नहीं है, नवरात्र एक इमोशन है हमारे लिए, छठ पूजा की इमोशन है, हम रोने लगते हैं कभी कभी, कुछ ऐसे भावुक गीत बजते हैं कि एकदम आँख भर जाता है। तो और मेरे लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, बट स्पेशल मुझे लगता है कि एज ए कलाकार मेरे लिए माँ शब्द जो है, मैं बहुत बच्चा था तो मुझे गाने नहीं आता था, उस टाइम भी मैं माँ का ही भजन गाता था, तो मुझे माँ शब्द से बहुत सबको लगाव है, बट मुझे है कुछ तो कनेक्शन है। और मैं वैष्णो देवी हर साल जाता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि सब कुछ इनकी कृपा है। अच्छा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे थे कि असली गाना अब आप नहीं गाएंगे, ऐसा आप कह रहे थे, तो आने वाले टाइम में अब राकेश मिश्रा से कोई अश्लील गाने की उम्मीद तो हम नहीं करेंगे? नहीं, मैंने ये जो शब्द आप बता रहे हैं, पहले तो हम अश्लील शब्द बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि संगीत कभी अश्लील नहीं होता है, संगीत एक धारा होता है, कौन से धारा में किस संगीत को सुना जाए, क्योंकि हर जगह एक चीज़ आप नहीं बजा सकते हैं, अगर बजा सकते हैं तो आप बोलिए नहीं बजा सकते हैं, कोई भी नहीं बजा सकता है। अभी अभी आप सुबह में डीजे सुनिएगा, शाम को किसी से दिल टूट जाएगा तो शाम को सुनने लगिएगा कि वो अब केर तेरा क्या होगा, जा रहा है फिलहाल होने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि संगीत एक धारा है, हमने कभी लाइफ में, एक चीज़ मैं जानता हूँ कि जिस तरह आपके लिए जीवन में अपना कुछ ज़रूरी होगा, उसी तरह संगीत मेरे नस में बजता है, और मैं संगीत पे कभी अपने आप को ये नहीं कमिटमेंट कर सकता कि मैं ये गाऊंगा वो नहीं गाऊंगा, क्योंकि मैं संगीत गाता हूँ और मुझे संगीत से प्रेम है, तो मैं वो सब कुछ गाऊंगा और गाते रहूँगा जिससे कि मुझे सुकून मिले, मुझे संगीत मिले। और मेरे लिए उसमें कोई ऐसा शब्द शामिल नहीं है सलीर और अश्लील, क्योंकि मैं संगीत को ना संगीत की तरह गाता हूँ, आई एम इंटरटेनर। और मेरा काम है इंटरटेन करना, मेरा काम है कि नवरात्र है तो नवरात्र का गीत गाना है, होली है तो होली का गीत है, अब होली में तो नवरात्र नहीं बजेगा। तो यही पॉइंट है कि संगीत को थोड़ा सा क्या है कि एक जो पॉइंट हम लोग लागू कर रहे हैं ना, जो हम लोग लागू कर रहे हैं, ये है, उससे थोड़ा ऊपर जब हम उठेंगे ना तो हमको सब एक समान लगेगा। हमारा दूसरा प्रश्न है कि जो आप ये गाना गाए हैं उसका अगर दो पंक्ति आप गा दें, माई आयल बारी उसका, जो मेरा फेवरेट है स्टार्टिंग वाला। नहीं, वो तो है मैया अवतरी, लेकिन ये गाना है ए मैया, मैया आवत तरीके, वो आपका फेवरेट है, वो मेरा भी फेवरेट गाना है। अगर सपोज डेट में फेवरेट बोलूँ तो मैं इस साल पहला गाना वही छोड़ा था, मोरवा नाचे मुसवा गावे उल्लू करे नजारा, हंस बजावे बिना शेर लगावे ले जयकारा, कि सरग से फूल बरसाव तारी होलू भाव तारी, ओढ़ी के चननिया बनी दुलाहिनिया, माई घर सेवका के अवतारी। बहुत सुंदर। एक लास्ट सवाल, आपके जो फैन हैं जो आपको प्रेज करते हैं और आपके मार्ग में चलना चाहते हैं और भोजपुरी में घुसना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दें? पहले तो सिटी पोस्ट के जितने भी दर्शक हैं, आप एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, इस नवरात्र में आप मेरे ऑफिशियल चैनल पे जाइएगा और गीत जरूर सुनिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ऐसे गीत को बढ़ावा देना चाहिए और सुनना चाहिए। दूसरी बात, मुझसे कोई नहीं सीख सकता है, क्योंकि मैं
डे वन से अभी तो अगर आगे मैं आपसे भी आज कुछ सीखा हूँ, अब इसमें आपको बिलीव नहीं होगा, मैं लाइफ में एक ही चीज़ जानता हूँ कि मुझे ही सीखना है बस, मुझे किसी को सिखाने की हिम्मत नहीं है, तो इसलिए मुझसे आप सीखिएगा नहीं। हाँ एक चीज़ बता दूँ, बहुत बहुत जल्दी सक्सेस के लिए कोई भी ऐसी चीज़ मत सोचिए और ऐसा चीज़ मत करिए जिससे कि आपको ये तो लगे कि नहीं यार सक्सेस जा जाएगा, बट अंतरात्मा बोले कि नहीं यार ये करके सक्सेस नहीं लेना चाहिए था। यानी कि संगीत एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप संगीत में आना चाहते हैं तो संगीत के प्रति साधक बनिए, सार्थक बनिए, उसके साथ मेहनत करना जानना होगा, क्योंकि संगीत हृदय से होता है, दिमाग से नहीं, दिल से होता है। और मैंने जो अभी तक समझा है कि मुझे देख के भले कौन क्या सीखेगा नहीं सीखेगा, आपको अपने लाइफ का एक रूल रखना पड़ता है चाहे आप किसी भी लाइन में हो, और रूल आदमी को बहुत आगे बढ़ाता है। तो मेरा एक रूल है हर चीज़ों का करने का, आप जैसे बात भी करो तो आपको लग रहा होगा कि हम एक अपनी टाइप एक है कि हाँ इस तरह से इसी चीज़ को बोलना है, रूल ज़रूरी है। और कोई भी कितने भी आपको कोई जल्दबाजी करे कि भाई आपका 5 गाना नहीं चला, 10 गाना नहीं चला, आप मान लेना कि चलाने वाला ऊपर बैठा है, हमारा काम है सिर्फ काम करना। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी आप मस्त रहोगे, मगन रहोगे एकदम। कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करते, इंसान है, हम ये नहीं बोल रहे कि हम भगवान है, चिंता हो ही जाता है, आप भी इतना मेहनत करें तो कुछ ना कुछ चिंता होगा कि होना चाहिए, फिर भी उसको इग्नोर करना है क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। अच्छा देखो हम खूब गुस्सा होते हैं, आज ये किए ये नहीं हुआ, पेमेंट नहीं है, और वो पेमेंट जिस टाइम पे आना है उस दिन आता है। आप अपने बॉस से लड़ाई कर लो, आज सर भेज दो, आज पता चला नेट बंद हो गया, जिस दिन आना है उसी दिन आएगा। तो जब होना सब कुछ उनके कृपा से है तो हमारा काम क्या है, रेगुलर वर्किंग, हम वर्किंग करेंगे, हम उनके वर्कर हैं, हम उनके मालिक नहीं हैं, हमारे मालिक ऊपर बैठे हैं श्रीमन नारायण जी, हम वर्कर हैं, तो बस वर्किंग करना है। एक लाइफ लेसन जो आप अपने पूरे जर्नी में, ना कि भोजपुरी पूरे जर्नी में जो आप सीखे हैं, और आपने यंग होता है ना कि काश मैं यंग होता, मुझे किसी ने ये बात बताई होती तो काश मैं वो चीज़ ना करता, तो दूसरों के लिए भी एक तरफ से रहेगा, कोई एक लेसन जो आपको लगता है लाइफ में फॉलो करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए? लाइफ का एक लेसन है और वो किसी के बताने नहीं बताने से नहीं है, और वो लेसन है बचपन से लेके उम्र के अंतिम पड़ाव तक आप बस एक चीज़ मान लेना कि आप बेस्ट करते हो, आप बेस्ट करते हो। जैसे यहाँ बहुत सारे एंकर हैं, आप सवाल पूछ रहे हो, आपको ये बिलीव होना चाहिए कि हम अच्छे पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी रूल किसी भी एक मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन में, आत्मविश्वास से बड़ा कोई दवा नहीं है, और ये आप भी जानते हो और ये हम भी जानते हैं, लेकिन इसको फॉलो करना होगा। मैं बचपन से आज तक ना, मेरी एक बहुत गंदी आदत है लाइफ में, मैं कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वास रखता हूँ। जैसे मैं गया और मुझे लगा ना कि ये किसी ने बोला कि ये 50 लाख की चीज़ है और मेरे पास 5000 रुपये है, बट है तो मैं एकदम विश्वास के साथ बोलूँगा कि नहीं ये हम ले सकते हैं, विश्वास होनी चाहिए। आप सोशल वर्कर भी हैं, दान में भी बिलीव करते हैं, मदद भी करते हैं, और पॉलिटिशियन के साथ भी दिखते हैं, और भोजपुरी के जितने बड़े स्टार हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा में जा रहे हैं या दूसरे अन्य पार्टी में जा रहे हैं, तो राकेश मिश्रा भी क्या कहीं उसी पाथ में दिखते हुए नज़र आएंगे लोगों के सेवा करते हुए? मेरा जो सेवा है ना वो मेरा इमोशन है, उसको कभी मैं पॉलिटिकली या मुझे वाहवाही मिले इसके लिए नहीं किया हूँ। मैं जब भी किया हूँ, जैसे कल अगर आपका खबर मुझे मिल जाएगा ना कि आपको 50,000 की ज़रूरत है, तो हम ये भी नहीं जानते हैं कि आपका गूगल नंबर सही है कि गलत है, मुझे फील होना चाहिए कि आपको भेजना है, भेज के और उसके बाद ये भी नहीं कि पोस्टो नहीं करेंगे, चुपचाप लगा जाएंगे, वो मेरा इमोशन है, मुझे मन करता है और कुछ नहीं। आपकी बेटी हुई है नवरात्रि में, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे इनका गाना सुनिए, माता का गाना है, आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में, भोजपुरी में काफ़ी सुंदर दिखे भी हैं आप, उसके लिए आपके आगे वाले गानों के लिए ऑल दी बेस्ट, और तब तक के लिए आप सुन रहे थे सिटी पोस्ट, नमस्कार।